कुरान आप जो है कि कुरान के अंदर लिखे सर, जो हमारे हम जो दुआ मांगते हैं, हमारी जो दुआ है सर, आप लोग तो ये समझते हो कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, 5 वक्त की नमाज के अंदर आप सिर्फ ये कहते हो कि हम, एक मिनट सर, मैंने आपको बताया ना, कुरान जो हमारे हाजिर मौजूद इमाम है, अभी साजिर मौजूद इमाम है और कुरान भी है, कुरान से रिलेटेड हमारे हाजिर मौजूद इमाम है। की बातें सुनी तो मुझे एक बात बड़ी हैरत वाली लगी। आपने क्या कहा कि कुरान में जो बातें मौजूद हैं वो किसमें हैं? वो हमारे हाल जो ईमान के अंदर है, जो भी बातें हो रही है अच्छा, उसके रिलेटेड उसके अंदर हो रही है तो वो तो आप जाहिर की जो आप बात कर रहे हो, ईमान की जाहिर के अंदर आप बातें कर रहे हो, समझो क्या नहीं, किन किसी आप मैं ये पूछ रही हूँ कि आप हाजिर इमाम को इमाम मानते हैं कि खुदा मानते हैं? हम इमाम मानते हैं, हमारा इमाम है मौजूदा इमाम, अच्छा, क्योंकि हमारे इमाम 49वां इमाम, क्योंकि 48वां इमाम हमारा गुजर चुका है, ये हमारा 49वां इमाम है, हाजिर मौजूद इमाम। हाजिर और मौजूद इमाम। अच्छा, तो इमाम इंसान है या कोई और, कोई सुपर नेचुरल, कोई कोई ताकत है उनके अंदर? क्या है हाजिर इमाम में, वो इंसान है? आपको किसने बनाया है मैम? मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाजिर इमाम इंसान है या कोई एक अलग से, कोई खास उनमें बात है? इंसानों जैसे नहीं है वो चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, भाई। मेरे सवाल का जवाब तो दे दो ना, मैं तो बैठी हूँ, आप बिल्कुल सवाल पूछिएगा। अभी थोड़ा मुझे क्लियर तो करो ना। चलो आप मेरा वाला जवाब दे, चलो मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ मेरे भाई, हाजिर इमाम इंसान है ना कि नहीं है? मैं फिर क्या है मैम, आपको क्या देखना है? आपसे वही तो पूछ रही हूँ, हाजिर इमाम इंसान है ना? तो आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके इलम मैंने ये पूछा है, हाजिर इमाम इंसान है, आपने कहा बिल्कुल हाजिर इमाम इंसान है, तो मैंने इंसान की ही एक क्वालिटी बताई है कि अगर मैं इधर बैठी हूँ तो क्या आप बगैर किसी जरिए के मेरी बात सुन सकेंगे, हाँ या ना? मैं तो नहीं सुन सकता हूँ, नहीं सुन मैंने तो सकते हैं। बोला तो आप हाजिर आपसे इमाम इंसान है ना, तो वो कैसे सुन लेते हैं आपकी दुआएं बगैर किसी फोन कॉल के? आप लोग सबसे पहले कौन सी तो आ गया, दोबारा लीजिएगा, इसकी कॉल अच्छी है वैसे।